आईपीएल 2023 का ऑक्शन हमें 23 दिसंबर को कोची में देखने को मिलेगा और आईपीएल 2023 के ऑक्शन के लिए कुल 991 खिलाड़ियों ने अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर्ड किया है। 991 खिलाड़ियों में यहाँ पर 714 इंडियन खिलाड़ियों ने और 277 विदेशी खिलाड़ियों ने अपने आप को ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड किया। और अब ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड करने के बाद इन खिलाड़ियों की बेस प्राइस भी हमें पता चल चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको ऑक्शन वाले प्लेयर्स के नाम बताऊंगा और आपको इनकी बेस प्राइस बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो में इनकी बेस प्राइस के रिगार्डिंग और खिलाड़ियों की लिस्ट आपको जानने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्शन में आने वाले सभी खिलाड़ियों की और उनकी बेस प्राइस की। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई ने ऑक्शन में आने वाले सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर कुल 6 कैटेगरीज में रखा है। 6 कैटेगरीज में सभी खिलाड़ियों को डिवाइड किया गया, जहाँ पर सबसे पहले 2 करोड़ वाले खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी में रखा गया, इसके बाद 1.5 करोड़ बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी में रखा गया, इसके बाद 1 करोड़ बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी में रखा गया, इसके साथ ही 75 लाख बेस प्राइज, 50 लाख बेस प्राइज और 20 लाख बेस प्राइज वाले खिलाड़ियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 6 कैटेगरीज में सभी खिलाड़ियों को डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 करोड़ बेस प्राइज वाले खिलाड़ियों की। आखिर 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ किस किस खिलाड़ी ने अपने आप को ऑक्शन में रजिस्टर्ड किया है? तो इनमें नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन का नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लिन का नाम आता है, टॉम बेंटन का नाम आता है, इंग्लैंड के सैम करन का नाम आता है, इंग्लैंड के यहाँ पर क्रिस जॉर्डन, टाइमर मिल्स का नाम आता है, यहाँ पर जेमी ओवरटन का इसके साथ ही नाम आता है, यहाँ पर इंग्लैंड के क्रेग ओवरटन का नाम आता है, इंग्लैंड के आदिल रशीद का इसके साथ ही नाम आता है, इंग्लैंड के फिल सोल्ट का इसके साथ ही नाम आता है, बेन स्टोक्स का नाम आता है, यहाँ पर न्यूजीलैंड के एडम मिलने का, न्यूजीलैंड के जिमी निशम का, न्यूजीलैंड के केन विलियम्स का इसके साथ ही नाम आता है, साउथ अफ्रीका के राइल रूशो का, साउथ अफ्रीका के वेंडर डसन का, श्रीलंका के मैथ्यूज का इसके साथ ही नाम आता है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज के निकोलस पुरन का, वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर का इसके साथ ही नाम आता है, यहाँ पर कुल्टन नाइल और ट्रेविस हेड का। तो कुल मिलाकर इन खिलाड़ियों ने 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ अपने आपको ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड किया। इनमें से 4 से 5 खिलाड़ी हमें मोस्ट लाइकली अनसोल्ड जाते हुए दिखेंगे। कुछ खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपनी यहाँ पर काफी अधिक प्राइस रख ली है, जहाँ पर ओवरटन ने काफी अधिक अपनी प्राइस रखी है, तो शायद ये ऑक्शन में अनसोल्ड चले जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी यानी 1.5 करोड़ वाले प्लेयर्स की। तो 1.5 करोड़ की यहाँ पर बेस प्राइस में जिन खिलाड़ियों ने अपना नाम रखा, इनमें नाम आता है सीन एबर्ट का नाम आता है, यहाँ पर रिली मेरेडिथ का नाम आता है, जय रिचर्डसन का नाम आता है, एडम जाम्पा का, शाकिब अल हसन का नाम आता है, हैरी ब्रोक का नाम आता है, विल जैक्स का नाम आता है, डेविड मलान का इसके साथ ही नाम आता है, जेसन रॉय का नाम आता है, शर्फेन रदरफोर्ड का। तो कुल मिलाकर इन खिलाड़ियों ने विद 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के साथ अपने आप को ऑक्शन में रजिस्टर्ड किया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मीडियम बेस प्राइस की यानी 1 करोड़ बेस प्राइस की। तो 1 करोड़ की बेस प्राइस में काफी सारे खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया, जहां पर इस बेस प्राइस वाली कैटेगरी में जो रूट ने, मयंक अग्रवाल ने, केदार जाधव ने, मनीष पांडे ने, इसके साथ ही मोहम्मद नबी ने, इसके साथ ही यहां पर मुजीबुर रहमान ने, इसके साथ ही यहां पर मोइजेस हेनरिकेज ने, इसके साथ ही एंड्रो टाई ने, इसके साथ ही यहां पर लुक वुड ने, इसके साथ ही यहां पर ब्रेसवेल ने, इसके साथ ही चैंपियन ने, इसके साथ ही मार्टिन गप्टिल, इसके साथ ही काइल गेमिंसन हेनरी ने, इसके साथ ही टॉम लेथम, डेरियल मिचेल, इसके साथ ही हेनरिच क्लासन, इसके साथ ही शमशी ने, कुशाल परेरा ने, रोस्टन चेस ने, इसके साथ ही कॉर्नवेल ने, इसके साथ ही शे होप ने, अकिल हुसैन ने और डेविड विजय ने अपने आप को इस कैटेगरी में रजिस्टर्ड किया। तो कुल मिलाकर 1 करोड़ की बेस प्राइस में इन खिलाड़ियों का नाम ऑक्शन में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 75 लाख की यहाँ पर बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की। आखिर 75 लाख में कौन कौन से खिलाड़ियों ने अपने आपको रजिस्टर्ड किया? तो इनमें नाम आता है मनदीप सिंह का नाम आता है, करुण नायर का नाम आता है, मुरुगन अश्विन का नाम आता है, मयंक मारकंडे नाम आता है, ओडियन स्मिथ का नाम आता है, उस्मान ख्वाजा का और नाम आता है ईशांत शर्मा का। तो यहाँ पर 75 लाख की बेस प्राइस में इन खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। इसके बाद हम बात करते हैं 50 लाख बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की। तो इनमें नाम आता है संदीप लामिचारे का नाम आता है, यहाँ पर जेक लीच का नाम आता है, यहाँ पर जयदेव उनटकट का नाम आता है, प्रियम गर्ग का, सुरेश गोपाल का नाम आता है, यहाँ पर एंड्रे फ्लेचर का और नाम आता है अजिंक्य राणे का। अजिंक्य राणे ने केवल 50 लाख की बेस प्राइस के साथ अब ऑक्शन में अपने आपको रजिस्टर्ड किया। पिछले साल इन्होंने 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ रजिस्टर्ड किया था, इस साल केवल 50 लाख की बेस प्राइस के साथ इन्होंने अपने आपको रजिस्टर्ड किया। इसके बाद एट द एंड हम बात करते हैं 20 लाख वाली कैटेगरी की। आखिर 20 लाख की बेस प्राइस में यहाँ पर कौन कौन से खिलाड़ियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया? तो इनमें नाम आता है गुरकिरत सिंह मान का नाम आता है, केशव महाराज का नाम आता है, हेडन वोल्च का नाम आता है, विराट सिंह का नाम आता है, जॉर्ज गार्डन का। हालांकि आने वाले दिनों में अब इस लिस्ट में और भी नाम ऐड होंगे,
15 तारीख तक ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। 15 तारीख को यहाँ पर सभी खिलाड़ियों के हमें कंफर्म्ड नाम पता चल जाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऑक्शन के रिगार्डिंग आप कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन से खिलाड़ियों ने यहाँ पर काफी अधिक अपनी बेस प्राइज रख ली और कौन कौन से खिलाड़ी आखिर अनसोल्ड होंगे और आपकी फेवरेट टीम को इनमें से कौन से यहाँ पर 5 खिलाड़ियों को आखिर परचेज करना चाहिए। आप अपनी फेवरेट टीम का नाम और उन 5 खिलाड़ियों का नाम नीचे कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।